उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के जनपद के थाना मुढ़ा पांडे क्षेत्र के नेशनल हाईवे के मनकरा मोड़ चौराहे पर आज सुबह उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक अनियंत्रित बस ने आगे जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बस में बैठे 50 से 60 यात्रियों में से 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस दिल्ली से बिहार जा रही थी। मुरादाबाद के मुढ़ा पांडे थाना क्षेत्र में नेशनल NH 24 हाईवे किनारे मनकरा मोड़ चौराहे पर रामपुर साइड से आ रही अनियंत्रित बस ने आगे जा रही ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बस में बैठे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल यात्रियों को बस से निकालकर पास के मुढ़ा पांडे सरकारी सामुदायिक हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जिसमें 8 लोगों के गंभीर चोटें आई हैं। बस चला रहे ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। डॉक्टरों ने इलाज के दौरान 8 लोगों की नाजुक हालत देख घायलों को मुरादाबाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जिनका इलाज वहां चल रहा है। आपको बता दें चलें कि ये प्राइवेट बस बिहार से दिल्ली के लिए जा रही थी, जिसमें 50 से 60 मजदूर सवार थे। मुढ़ा पांडे के नेशनल हाईवे मनकरा मोड़ पर पहुंचते ही बस की स्पीड ज्यादा होने की वजह से आगे जा रहे ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में बस अनियंत्रित होकर जा घुसी, जिसमें ये बड़ा हादसा हो गया। बस से हम लोग आ रहे थे, दिल्ली जा रहे थे, तो बस वाला ट्रक ड्राइवर को नींद आ गया। 4:30 बजे करीब ट्रैक्टर का ट्रॉली जा रहा था, उसी में मार दिया। हम लोग आगे में बैठे थे, ड्राइवर तो उसी में ख़त्म हो गया। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? बिहार से। कहाँ जा रहे थे? ये दिल्ली जा रहे थे। क्या करते हैं दिल्ली में आप? गाड़ी चलाते थे। तो पहले भी दिल्ली रहे या फिर पहले भी दिल्ली? ट्रेन तो नहीं चलता था, इसलिए बस से आ रहे थे। 2,000 रुपया लिया टिकट, फिर आ रहे थे। सिंगल ड्राइवर था, तो उसी को नींद आ गया। पीछे आगे में ट्रॉली था ट्रैक्टर, उसी में मार दिया। हम लोग आगे में ही था, दब गया हम लोग। कितने लोग थे आप लोग, कितने सवारी थी उसमें? 50-60 सवारी थे पूरा बस भर के। तो सब बिहार से आ रहे हैं? हाँ सारे। हमारा बिहार से आ रहे थे, दिल्ली जा रहे थे काम करने के लिए। बीच में आगे में जा कर के एक्सीडेंट हो गया, मतलब वो इधर से बस जा रहे थे और उधर से जो है वो ट्रैक्टर था, उसी में मार दिया जाके। दो आदमी का मौत हो गया। अरे एक मिनट चुप रहो। दो आदमी का मौत हो गया, बाकी 20-25 आदमी जो है ना घायल। तो आप दिल्ली क्या करते हैं, कैसे जा रहे थे? काम करने के लिए जा रहे थे, मजदूर आदमी। पहले भी दिल्ली काम करते थे क्या? हाँ। तो वापस फिर क्यों दिल्ली जा रहे थे? क्या लॉकडाउन में वापस आए थे, क्या था? नहीं, लॉकडाउन में तो हम लोग वापस घर गए थे। फिर जब कंपनी चालू हुआ तो बुलाया, तो वही बस से जा रहे थे। तो बस कौन सी थी, प्राइवेट थी सरकारी थी? प्राइवेट था बस। किसने की थी बस? बस हम ही लोग मतलब करके जा रहे थे, सब ने मिल कर के। कितनी सवारी होंगी इसमें? 70 आदमी थे। अच्छा। किस कंपनी में काम करते हैं वहाँ? हम लोग GMC में काम करते हैं। थाना मुढ़ा पांडे क्षेत्र में सुबह लगभग 5:30 बजे एक बस और ट्रैक्टर के बीच में भिड़ंत हो गई थी, जिसमें एक ड्राइवर और एक व्यक्ति और की मृत्यु हुई है। साथ ही 8 लोग जो जख्मी हुए थे उनको जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है, वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। जो अन्य लोग थे उन्हें फर्स्ट एड देके आगे के लिए रवाना कर दिया गया है। इसमें जो बस ने पीछे से जो आगे चल रहे ट्रैक्टर में थी उसमें भिड़ंत की थी, जिसमें ये घटना और लोग घायल हुए। इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, इसमें जो भी और तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर उसे कार्रवाई करी जाएगी। ड्राइवर था उसकी डेथ हुई है, साथ ही एक जिसमें सवारी थी उसकी, दो लोगों की टोटल इसमें मृत्यु हुई है। सर ये लोग लेबर के बताए जा रहे हैं कि ये बिहार से चले थे और ये श्रमिक थे जो दिल्ली के लिए निकले हुए थे बस। टोटल कितने लोग घायल हैं सर? इसमें 8 लोग हैं जो इस समय जिला अस्पताल में एडमिट हैं और उनका इलाज चल रहा है और डॉक्टर्स ने सभी की स्थिति को स्टेबल बताया है। बाकी जो अन्य लोग जिनको मामूली चोटें थी उनका फर्स्ट एड देके आगे बढ़ा है।